तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक, फ्रैक्शन क्या होता है? तो ये चॉकलेट है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, भिन्न कहलाएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे हम अंश, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे हम हर। ठीक, तो इसको कहते हैं हम अंश। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक। इसको कहते हैं हम हर। इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक। अंश को कहते हैं हम न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, ऐसे मान लिया ए अपॉन बी लिखा है, ठीक, तो ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे हम न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बटे वन अपॉन सिक्स। ठीक, वन अपॉन सिक्स लिखा है, तो इसमें हम जानते हैं ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसमें हमको क्या करना है? इसको हमको वर्ड्स में लिखना है। ठीक, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वन सिक्स्थ मतलब एक का छठवा भाग। ठीक, वन अपॉन सिक्स का मतलब होता है वन अपॉन सिक्स, एक भागे एक बटे छः। इसका मतलब होता है वन सिक्स्थ मतलब एक का छठवा भाग, दो का पांचवा भाग। ठीक, और जैसे हमको टू वर्ड्स में लिखा है, इसको नंबर्स में लिखना है। टू एट, ठीक, दो का आठवां भाग मतलब क्या होगा? दो बटे आठ। ठीक, इसी तरह फोर, फोर नाइन्थ मतलब चार का नवा भाग, यानी चार बटे नाइन, नौ। ठीक, फोर अपॉन नाइन। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये क्या होता है? इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक, पहला होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे लिखा है हमारे पास दो बटे तीन, ठीक, चार बटे तीन फोर अपॉन थ्री और फाइव अपॉन थ्री, ठीक, ऐसे लिखा है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब बराबर हो। ठीक, इसमें देखिए तीनों डिनोमिनेटर हमारे बराबर हैं, तो ये क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक, अनलाइक फ्रैक्शन दूसरा टाइप होता है इसका, अनलाइक यू है, ये यू एन एल आई के ई, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास लिखा है
एक बटे पाँच, दो बटे आठ, तीन बटे नौ, ठीक ये लिखा है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन में मतलब जिसके न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर वन हो। ठीक, जैसे यहाँ पे ये वन वन है, तो ये क्या होगा, हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक, मतलब जिसके न्यूमरेटर वन हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लाइक अनलाइक यूनिट फ्रैक्शंस पढ़ा। ठीक, अब देखिए चौथा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे लिखा है वन अपॉन थर्टीन, टू अपॉन फिफ्टीन, थ्री अपॉन सिक्सटीन और फिफ्टीन अपॉन सेवेंटीन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमारे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से क्या हो, बड़े हो। ठीक, इसमें देखिए बड़ा है, ये भी बड़ा है, यानी कि द न्यूमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए और न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। ठीक, लेस देन मतलब छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जैसे हमारे पास लिखा है थर्टीन अपॉन ट्वेल्व, नाइन अपॉन टू, थ्री अपॉन वन फोर्टीन, ठीक, और यहाँ पे फोर्टीन नहीं वन कीजिए, ठीक ये वन, और 15 अपॉन 3 लिखा हो। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें देखिए हमारा न्यूमिनेटर बड़ा दिख रहा है ना, और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें हमारे न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़े होने ग्रेटर देन हो, ठीक बड़े हो, तो उसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, दो से ही एक बटे दो, ठीक, तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन
मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक, प्लस प्रॉपर नंबर को हम क्या करते हैं उनका कॉम्बिनेशन, ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा। इसमें ये देखिए, ये बड़ी है छोटी है, मतलब न्यूमरेटर हमारा छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक। तो इसका कॉम्बिनेशन नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका इससे गुणा होता है, दो टू टू ज़ा फोर, फोर और एक फाइव, फाइव अपॉन ये टू, ठीक। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे से मल्टीप्लाई कितना हुआ, फोर हुआ, फोर प्लस वन अपॉन टू, तो फोर एंड फाइव, तो फाइव अपॉन टू, ठीक। ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर का और प्रॉपर नंबर का, ठीक, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर इसको जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। मतलब देखिए, जैसे फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी होगा, फिर ट्वेंटी को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, तो ट्वेंटी प्लस टू अपॉन फाइव कितना हुआ, ट्वेंटी टू अपॉन फाइव, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, ठीक, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या होता, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में, थ्री अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट, हमने लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर बराबर, इसका बराबर है, ठीक। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हम 8 लिख लिए यहाँ पे, ठीक, और इसको 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 8, ठीक। तो इसके इसमें देखिए भाग हो रहा है, 4 को 8 से भाग करेंगे कितना होगा, 1 अपॉन 2, ठीक। अब दूसरा, इसका अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें हमारे डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक। जैसे ये एग्जांपल ये लिखा है यहाँ पे, थ्री प्लस थ्री अपॉन एट प्लस वन अपॉन टेन, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए, इसका हम पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। तो एट कॉमा टेन, एलसीएम तो सीखा आप लोगों ने, सीखा होगा,
एलसीएम का तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने एलसीएम सिखाया है। ठीक, तो 8 और 10 का हम एलसीएम कर लेंगे साथ में। ठीक, तो 2 4 8 2 5 10। ठीक, 2 2 4 2 1 2 और 5 5 5 कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 4 4 × 8 8 × 5 40। ठीक, 2 × 4 4 × 8 और 8 × 5 40। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया हमारा, 40। ठीक, 40 आया। तो इसमें हम 8 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, 40 है तो यानी कि 5 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, तो 8 × 5 = 40। ठीक, प्लस इसको हम इक्वल कर रहे हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शन है हमारा, इसको हम इक्वल कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। तो 10 को हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, 14 है तो 4 बार, 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 40। ठीक, 3 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 और ये 40। ठीक, होगा। ठीक, 10 से 4 करेंगे तो 40। अब यहाँ देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, मतलब हम लाइक को, तो अगर लाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल ना हो और ये अनलाइक फ्रैक्शन हो, ठीक, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन होगा। इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसको पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर है हमारा, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमने पिछली वीडियो में बताया आपको एलसीएम निकालना कैसे निकालते हैं, तो इस तरह हमने एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पे एलसीएम आया हमारा 14। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे 14 आया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना 8 है, 8 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक, जितना आएगा उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने इससे डिवाइड किया, 4 आया, तो हम यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमारा कितना आया यहाँ पे, ये आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस तरह। ठीक, उसके बाद न्यूमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हो, न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो इसको उसको ऐड करेंगे कितना होगा हमारा, 90। ठीक, ये आंसर। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें भी हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन होते हैं। ठीक, तो लाइक फ्रैक्शन क्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हो गया लाइक फ्रैक्शन का, 3/8 − 1/8। तो इसमें देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका क्या होगा, ये साथ में जाएंगे। ठीक, और 3 से 1 माइनस करेंगे तब जाएगा 2 2/8, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 + 2 2 × 4 यानी 1/4 बचेगा। ठीक, इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 1/8, तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 1/8 फ्रॉम 2/5। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 1/8 फ्रॉम 2/5 है, तो 1/8 से 2/5 का मतलब 2/5 माइनस 1/8 को माइनस करना है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को हम बराबर करेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम
निकालेंगे साइड में 5.8, ठीक 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 बन जाए, 5 हो जाएगा, ठीक 8 बचेगा, 2 4 8 2 4 2 कितना हुआ 5 2 10 2 2 4 4 2 8 8 5 40 इसका भी 40 हुआ, ठीक 40 हुआ। तो यहाँ पे 40 होगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे 5 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 टाइम जाएगा ना, 8 टाइम डिवाइड होगा, ठीक, माइनस यहाँ पे 5 टाइम होगा, ठीक 5 टाइम होगा, यहाँ पे हम ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक 5 टाइम होगा। उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना होगा 16 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 14 माइनस 5 माइनस 14, ठीक 14। तो इसमें देखिए हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में ये हमारे क्या हुए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाते हैं तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 11, 11/40, ये हो गया हमारा आंसर हुआ, ठीक 16 माइनस 5 माइनस किया, 16 से 5 माइनस किया तो 11 बचा। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। थैंक यू बच्चों।